इसमें करीबन जो CHO की परीक्षा हुई थी वो 19 फरवरी 2023 को हुई थी, 3 जिलों में हुई थी ये परीक्षा, और करीबन 80,000 से ऊपर के बच्चे बैठे थे, और इसमें 3,500 वैकेंसीज थी, और चूंकि कुछ नहीं बल्कि अधिकांश जो क्वेश्चन थे वो सोशल मीडिया पे लीक हो गए थे एग्जामिनेशन से पहले, तो उसी के मद्देनज़र फिर उसकी जांच हुई थी, और उसके मद्देनज़र इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जैसे कि राज्य सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टू पेपर लीक, और रिक्वायरमेंट कि हम अंकुश लगाएं पेपर लीक माफिया के ऊपर, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक ये पॉलिसी है कि सबसे योग्य छात्र या योग्य अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो नौकरियों के लिए। तो इन सब के मद्देनज़र बोर्ड ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि इस CHO की परीक्षा जो कि 19 फरवरी को हुई थी उसको रद्द किया जाए और उसको दोबारा किया जाए। तो अभी ये परीक्षा 3 मार्च को 2024 में होगी और सभी अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी इसको इस डिसीजन को करेक्ट स्पिरिट में लेंगे, हाई स्पिरिट में लेंगे, और तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और दोबारा एग्ज़ाम देंगे।